नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज बुंदेलखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। महिला सशक्तिकरण सप्ताह में आज रोडवेज में कार्यक्रम रखा गया। मौके पर हमारे साथ एआरएम हेमंत कुमार मिश्रा जी हैं। सर, किस तरह यह कार्यक्रम रहा ये आज, और क्या संदेश लोगों को दिया गया, खासतौर से महिलाओं को? ये हम लोगों ने जो महिला यात्री हैं उनको असेंबल किया अपने हॉल में, और ये प्रोग्राम हम लोग 18 तारीख से लगातार कर रहे हैं। और इसमें हम महिलाओं के सम्मान, उनकी सशक्तिकरण के लिए जो शपथ दी गई है वो हम अपने स्टाफ को भी दे रहे हैं, उनसे शपथ ले रहे हैं। वो टेकिंग सेरेमनी चल रही है, उनके सम्मान की, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हम लोगों ने सभी से ये संकल्प लिया है। सर, बात की जाए महिला सशक्तिकरण की, बात की आने वाले समय में जैसे त्यौहार आ गए, दशहरा है, दिवाली है, इस पर आप लोगों की क्या प्रिपरेशन, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि लोगों का आना जाना तो बढ़ेगा ही बसों में, कोविड को देखते हुए, कोविड महामारी को देखते हुए क्या तैयारियां हैं? जी, कोविड के लिए तो हमारा डिपो प्रबंधन पूरा अच्छा काम कर रहा है। हमने यहाँ पे बस स्टेशन पर 2 लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं जो 6 बजे से 10 बजे तक राति तक रहते हैं, जब तक यात्रियों का जमावड़ा रहता है। तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग चल रही है, उनके सैनिटाइज़र का काम चल रहा है, और दूसरा हमारे 2 एम्प्लॉई जो हैं वो इस सैनिटाइज़र पे लगे हैं, प्लेटफॉर्म पे लगे हैं। हम लोग जो हैं ये उनकी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत जो कोविड का काम है वो अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का पूरा कर रहे हैं। हमारी इंक्वायरी पर ये अनाउंसमेंट भी चल रहा है, CD पे हमारा जो TV पे भी ये रिले चल रहा है, जिससे कि हम कोविड जैसी महामारी पर अच्छा कंट्रोल करें। अच्छा प्रबंधन हमारे द्वारा किया जा रहा है। सर, त्योहारों के मद्देनज़र क्या कुछ स्पेशल बसेस चलेंगी कि जो बसेस पहले से चल रही हैं उतनी ही चल रही हैं? जी, हमारे पास जो है 120 बसें हैं, तो हमारे पास 100 बसें अभी ओके हैं, और त्योहारों पे हम उनके फेरे बढ़ाएंगे। हमारे पूरे रीजन की गाड़ियां चलेंगी, और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा करने के लिए हम यात्रियों के ट्रिप्स जो हैं बसों के बढ़ाएंगे। हम कुछ दिल्ली पे और महानगरों पे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यात्रियों का आवागमन लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और दिल्ली से ज़्यादा हो रहा है। झांसी चूंकि ट्रेन बंद है, तो हमारा पहले झांसी पे ऑपरेट बसेज नहीं हो रही थी, अब हम झांसी पे स्पेशल बसेज जो है करीब 10 बसें भेज रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दशहरे पे और आगामी त्यौहार पे, दीपावली पे, हमारे चालक परचालक और हमारा पूरा स्टाफ कटिबद्ध है, ये संकल्पित है कि वो अच्छे से अच्छा बेहतर काम करेगा और बेहतर यात्रियों को सुविधाएँ हम प्रोवाइड करेंगे। आगामी त्योहारों को देखते हुए एआरएम हेमंत कुमार मिश्रा जी का कहना है कि बसेस की समस्या नहीं है, कोविड-19 का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा, और यहां पर भी रोडवेज परिषद में भी लोगों को सैनिटाइज और उनका थर्मल स्कैनिंग काम बराबरी चल रहा है। कोविड गाइडलाइन को बड़ी नज़दीकी से और बड़ी सतर्कता से लोग ध्यान दे रहे हैं कि ताकि कोई हर व्यक्ति वो इस बीमारी से दूर रहे और स्वस्थ रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़।